सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वेब मास्टर मनमोहन को और रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे इनलाइन सीएसएस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ में हम किस तरीके से बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं, किस तरीके से उसके अलग अलग सीएसएस के इफ़ेक्ट्स को दिखा सकते हैं, इमेज को कैसे पोजिशन वाइज सेट कर सकते हैं, किस तरीके से इमेज के रिपीटेशन को रोक सकते हैं, जो कि हमारे एचटीएमएल में पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम यहाँ पर उसे जनरली इफेक्ट से उसे चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट मैंने स्टार्ट किया है बॉडी टैग के अंदर, जो कि सीएसएस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के अंदर मैंने कलर दिया एक, ये कलर मैंने शो किया, और इस कलर को यदि मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ इस पेज को, तो देखो रेड कलर शो हो रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से आप कलर चेंज करना चाहो हेक्साडेसिमल कोड के थ्रू, या आप इस कलर को अपने अकॉर्डिंग चूज करना चाहो तो आप उसका हेक्साडेसिमल कोड यहाँ पे लिख सकते हैं हैश के बाद, जैसे 1 2 3 A B D। ये मैंने कलर लिया है, इस कलर का इफेक्ट आप यहाँ पे रिफ्रेश करके देख सकते हैं, इस तरह का इफेक्ट शो हो रहा है। तो कोई भी कलर आपको चेंज करना हो अपने सीएसएस के थ्रू बैकग्राउंड में, तो इस तरीके से आप उस कलर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से का एक और एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है, सॉरी बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के अंदर जब भी हमें कोई इमेज देनी हो, तो हम यहाँ पे यूआर लिखेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर उसका पाथ लिखेंगे। जैसे मेरे पास एक इमेज है डेस्कटॉप पे new.jpg नाम से, तो इस इमेज को मैं यहाँ पे मेरे फाइल में यूज़ करता हूँ new.jpg, और इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ से सेव किया, देन इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए बैकग्राउंड के अंदर जो एक फ़ाइल थी हमने यूज़ की थी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में, उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इमेजेस बैकग्राउंड में शो हो गई। क्योंकि हमेशा जब भी हम HTML में या CSS में फाइल को बैकग्राउंड में यूज़ करते हैं, तो हमेशा रिपीट होती है, लेकिन हम इस रिपीटेशन को रोक भी सकते हैं इस इमेज की रिपीटेशन द्वारा। तो इसके लिए हम एक एट्रीब्यूट, एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इमेज को रिपीटेशन रोकने के लिए। सेमीकोलन लगा के मैंने एक न्यू CSS यहाँ से स्टार्ट की है, बैकग्राउंड रिपीट, और इसमें कॉलन लगा के मैंने लिखा नो डैश रिपीट। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड का जो रिपीटेशन है उसे हम रोक सकते हैं। तो केवल सिंगल इमेज आपको यदि के बैकग्राउंड में या कहीं स्पेसिफिक डिव के अंदर या कहीं भी स्पैन टैग में कहीं यूज़ करना हो या टेबल टैग में यूज़ करना हो, तो इस तरीके से हम उस रिपीटेशन को रोक के इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपको रिपीट केवल एक कॉर्नर पे ही करना, जैसे रिपीट एक्स, ये केवल एक्स कॉर्नर पे रिपीट होगी जैसा कि आपको दिखाई दे रही ब्राउज़र में, और इसी तरीके से इसको वाई कॉर्नर पे रिपीट करना हो तो ये वाई कॉर्नर पे रिपीट होती हुई आपको शो होगी। नेक्स्ट एक और एट्रीब्यूट है इसका, बैकग्राउंड पोजिशन मैंने इसे सेंटर में रख दिया है, और इसका जो रिपीटेशन है वो रिपीटेशन इसको नो रिपीट कर दिया, क्योंकि सिंगल इमेज होगी तभी हमें आपको ये शो होगी। तो ये देखिए मैंने बैकग्राउंड रिपीटेशन को रोक के जब इसे इसका पोजीशन सेंटर रखा, तो ये वेब पेज के सेंटर में आ गई हमारी इमेज। और इसी तरीके से इसको सेंटर के साथ में मैं एक मल्टीपल एक और वैल्यू लिख के इसको टॉप कर दूँ, तो सेंटर के साथ टॉप में शो होगी। यदि सेंटर लेफ्ट करूँगा तो सेंटर लेफ्ट में, और सेंटर राइट करूँगा तो राइट में, और इसी तरीके से बॉटम राइट यदि मैं करता हूँ तो बॉटम के राइट में आ जाएगी इमेज, और इसी तरीके से बॉटम के लेफ्ट में रखूँगा या बॉटम के सेंटर में रखूँगा तो बॉटम के साथ सेंटर में यूज हो जाएगी। इसी तरीके से टॉप लेफ्ट भी रख सकते हो आप इमेज को, टॉप सेंटर लेफ्ट या राइट, आप चाहे से सेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम चाहें तो इसे एक सिंगल बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में भी देख सकते हैं। जैसे मैं एक बार इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसे वापस से कंप्लीट हटा के डायरेक्ट सभी बैकग्राउंड की वैल्यूज़ को एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है और उनकी वैल्यूज़ को एक साथ यूज़ कर सकते हैं हम। तो बैकग्राउंड के आगे आप कॉलन लगाओगे, कॉलन लगा के आप सबसे पहले इसका जो इमेज का कलर है वो दे सकते हैं आप। जैसे मैंने FF00 ये कलर दे दिया है यहाँ पे, देखेंगे तो एक कलर शो हो रहा है यहाँ पे येलो बैकग्राउंड के अंदर। और इसका जो सेकंड है, मैं यूआरएल यहीं पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट स्पेस देके,
तो जो बैकग्राउंड का यूआरएल है वो आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले अलग से शो किया था, यहाँ बैकग्राउंड इमेज लिख के ये जेपीजी, तो मैं इस पाथ को यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ, या टाइप भी कर सकते हैं ये, और इसे सेव कीजिए और रिफ्रेश कीजिए, तो देखो बैकग्राउंड आ गया है आपके लिए। इसी तरीके से बैकग्राउंड को रिपीटेशन रोकना है तो यहाँ पे डायरेक्ट नो रिपीट आप लिखोगे तो इस बैकग्राउंड के जो रिपीटेशन है उनको आप रोक सकते हो। इसी तरीके से इसको रिपीट एक्स या वाई करना हो आपको, रिपीट एक्स कॉर्नर और रिपीट वाई कॉर्नर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं एक बार इसको नो रिपीट कर देता हूँ, ये नो रिपीट हो गया। इसी तरीके से मुझे यदि इसे सेंटर में लेना हो बैकग्राउंड को, तो मैं सेंटर में दे सकता हूँ। यदि सेंटर के साथ लेफ्ट करना हो तो सेंटर लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर के साथ यूज़ करके बॉटम लेफ्ट रख सकते हैं तो बॉटम के लेफ्ट में चला जाएगा ये, और बॉटम का यदि आपको राइट रखना हो तो आप बॉटम के राइट में रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको चूज़ करना है कि आपको इस बैकग्राउंड को किस पोजीशन पे होल्ड करवाना है। तो ये बैकग्राउंड से रिलेटेड एक आज की क्लास मैंने बताई जनरल, कि आप काफ़ी ईजी तरीके से अपने बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं, उसका रिपीटेशन रोक सकते हैं, उसमें आप अटैचमेंट करके इमेज ऐड कर सकते हैं। ये इमेज से रिलेटेड, बैकग्राउंड इमेज से रिलेटेड या बैकग्राउंड के कलर से रिलेटेड एक क्लास थी आज के लिए आपके लिए। उम्मीद आपको एक क्लास काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी अच्छे इफेक्ट आपके लिए मैंने आप बहुत इजी तरीके से बताए। मेरे नेक्स्ट वीडियोस और अपडेट्स रेगुलर आपको मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।